Hey, good morning, so guys, and क्या क्या आप लोग? तो guys, आज हम लोग हैं कर्नाटक aquarium. तो हम अनिल एंड गैस. तो आज आए कर्नाटक aquarium, हमको बहुत पसंद है animals ये सब. तो YouTube पे बहुत देखे थे कि आप बैंगलोर में best aquarium कहाँ है? कर्नाटक aquarium कहाँ है यहाँ? तो आज आइए और यहाँ पर देखिए कितने वैरायटी में यहाँ पे पेट्स मिलेंगे, अलग अलग चीज मिलेगा. तो हम बहुत एक्साइटेड हैं. हमारे साथ हैं कर्नाटक एक्वेरियम के ओनर. तो आपका नाम? सैयद है इनका नाम. एंड बताइए जरा कर्नाटक एक्वेरियम के बारे में. तो हमारा कर्नाटक एक्वेरियम एक्चुअली फेमस है ओनली फॉर एक्सोटिक एनिमल्स लाइक स्नेक्स, रेप्टाइल्स, टर्टल, टॉर्टाइल्स, एक्सोटिक बर्ड्स, एक्सोटिक फिशेस के लिए. और बहुत यूनिक चीज है जो हम फर्स्ट टाइम देखे, जैसे यहाँ पे सैलामेंडर जो आप लोगों को दिखाएंगे अभी. तो लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे हम सैलामेंडर और स्नेक्स, जो पाइथन है फर्स्ट टाइम इतने क्लोज देखे हम. तो बहुत अच्छा आपका एक्वेरियम का यहाँ है आपका सेटअप. तो दिखाते हैं अभी आप लोग को अलग अलग चीज. तो इस सैलामेंडर के बारे में बात कर रहे थे हम, मतलब कितना मतलब क्यूट बोल सकते हैं. तो ये कौन सा सैलामेंडर है? ये चाइनीज जाइंट सैलामेंडर है. चाइनीज एक्चुअली वर्ल्ड में पूरा बिगेस्ट सैलामेंडर है. इससे बड़ा सैलामेंडर नहीं होता. ये 6 feet तक लॉन्ग होता है. तो ये बच्चा है इसका? हाँ, ये छोटे बच्चे. इसका प्राइस क्या होगा? चाइनीज जाइंट सैलामेंडर का 25,000 रुपीस ईच है. तो एक आपको 25,000 का मिलेगा. तो आप देख सकते हो बहुत यूनिक है, आपको नॉर्मल नहीं दिख पाएगा ये सब, बट कितना क्यूट है यार. जो बच्चा हुआ है उसके प्रूफ के लिए जो है वो क्लोज लिंक डाला जाता है. जिस फार्म में ब्रीड हुआ है उस फार्म का नाम रहता है उधर. तो ऐसे हमारे पास एक्सोटिक बर्ड्स जो है काफी सारे हैं. तो ये
आप इसे कलर देखिए कितना प्यारा है, कितना यूनिक है। तो हमको बचपन में बहुत डरावना सपना आता था इससे जो अभी नेक्स्ट दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए वो पूरा वेब 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 भी बनाया हुआ है ऐसे ही पकड़। हाँ पास से। ओह माय गॉड वाओ सो ब्यूटीफुल। इसका नाम टेरेंटुलास में मेरे पास काफ़ी सारे वैरायटी हैं। गोल्डन नी है, रेड नी है, मैक्सिकन रेड नी है, ब्लू है, कार्डिनल ब्लू है, ऐसे बहुत सारे टेरेंटुलास हैं। तो मतलब टर्टल टॉर्टोइज़ टॉर्टोइज़ है और ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट टॉर्टोइज़ है। और इसका सुलकटा है नाम। सुलकटा? हाँ सुलकटा। कहाँ का है? अफ्रीकन सुलकटा। अफ्रीकन सुलकटा। हाँ तो मतलब मेरे घर में भी टर्टल है, रेड ईयर स्लाइडर स्लाइडर। तो मतलब इसका जो छू रहे हैं तो मतलब अलग ही टच है इसका। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। देखिए पास में ईच पीस 25,000 रुपीस का मास्टर रुगु है। मास्टर रुगु है 25,000 सेम बट वर्थ इट। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। तो क्या आपको रहा नहीं गया? मास्टर रुगु है सेम मास्टर रुगु बहुत प्यारा है। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? वो हम ही को देख रहे हैं। I'm speechless, तो आप ही बताइए। ये रॉयल बॉल है और ये बटर पेस्टल है। ये एक्चुअली बटर इसको इस वजह से बोला जाता है जैसे कलर है ना इसका, ऐसे काफ़ी सारे इसमें बॉल पाइथन्स में कलर आते हैं। तो रॉयल बॉल एक ऐसी स्पीशी है जो वाइल्ड में जंगल में जो मिलता है वो सेम कलर का ये कलर आता है, इसी वजह से इसको रॉयल बॉल बोला जाता है। रॉयल मीन्स इट्स अफ्रीकन रॉयल, एकदम ये रॉयल जिंदगी जीता है। तो बट बहुत क्यूट है। इसका हम लोग सेल करते हैं, जो प्राइस है वो 35,000 रुपीज़ है। तो इसका प्राइस 35,000। हाँ 35,000 रुपीज़। और ये जो स्नेक है जो बॉल पाइथन रॉयल बॉल पाइथन है ये हमारे मेरे शॉप पे जो है काफ़ी क्वांटिटी में सेल होता है। ईयरली वंस ऑलमोस्ट 300 पीस आराम से सेल हो जाते हैं। तो यहाँ बैंगलोर में 300 पीसेस पर ईयर सेल हो रहे हैं यहाँ पाइथन का। और इसका प्राइस क्या है? इसका 65,000। इसका 65,000। और कितना बड़ा होता है? 5 feet तक जाते हैं बॉल पाइथन जितने भी हैं वो 5 feet तक जाते हैं। मेल जो रहेगा वो 5 feet रहेगा, फीमेल 6 feet तक जाती है। मेल 5 feet और फीमेल 6 feet ज़्यादा बड़ी होती है, फीमेल 1 feet ज़्यादा होती है। तो कितना प्यारा है, हम फर्स्ट टाइम लाइक ऐसा छू रहे हैं किसी जिंदा सांप को। और ये पता नहीं हनीफ मेरे पास आना चाहता है। ये कितना क्यूट है, बहुत प्यारा है। तो ये बहुत क्यूट है लेकिन मेरे आस्ते कपड़े से मैच हो रहा है इसलिए तुम्हारे जंगल में आ गया। थोड़ा जंगल में आ गया, जंगल में हो गया कि बाल है कि जंगल है। ठीक है तो ये कौन सा है? ये कौन स्नेक है? ये कौन स्नेक है? सब बहुत प्यारा है। ये भी बहुत बड़ा होता है ना? हाँ ये भी ऑलमोस्ट 10 feet का, 10 feet तक लेकिन इतना ही मोटा होता है, होता है वो ज़्यादा लेंथ होता है। इसका फीडिंग क्या है? सेम माइस देते हैं, पिंकीज देते हैं, सेम। तो मतलब मेरे टी शर्ट के कलर से मैच कर रहा है एकदम एकदम ब्रेसलेट की तरह हाथ में बन गया, आराम से जा रहा है ऊपर। कौन स्नेक जो है हमारे पास स्टार्टिंग प्राइस 25,000 रुपीज ईच है। तो ये 25,000 से ये नहीं है, बच्चा है ये अभी थोड़ा बड़ा हुआ है तो इसका प्राइस अलग है। जब बड़ा मतलब छोटा बच्चा रहेगा वो 25,000। रेड टर्टल है, तो ये गोल्डन रेड टर्टल। गोल्डन रेड टर्टल है, 3,500 रुपये का एक पीस आता है। और एक पीस 3,500 का, बहुत क्यूट है, अलग टाइप का है एकदम। तो ये कौन सा टर्टल? ये मैसेपियन मैप टर्टल है। मैसेपियन मैप टर्टल। तो सर प्राइस? सिंगल पीस 11,000। 11,000 का सिंगल पीस है, क्यूट सा है टर्टल। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे टर्टल्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे इतने बॉक्स हैं, अभी दिखाएंगे आपको। और इसमें भी मैसेपियन है और थोड़े बड़े साइज में है मैसेपियन टर्टल। ये अलग कौन सा? येलो बेली है। इसका भी कलर देखो बहुत प्यारा है। और इसका जो है स्पॉटेड टर्टल है, कितना चिप जा रहा है। तो प्राइस क्या है इनका? इसका 20,000 रुपीस ईच पीस। 20,000 ईच पीस। हाँ टर्टल है, तो ये स्नेक है टर्टल। काफ़ी लेंथ आती है इसकी, नेक जो है काफ़ी लेंथ आती है। वो
आप लोग कभी नहीं देखे होंगे ऐसा गार्डन। ओह ची क्या ही है मतलब हम नहीं देखे कभी ऐसा इतना लंबा गार्डन उसका स्नेक हेड ऐसे आता है। हां ऐसे ही ये मास्टर रूम दिख रहा मुझे। इसका प्राइस क्या है? 45,000। 45,000 इसकी आंख देखो। अब अल्बाइनो रेडियस स्लाइडर है। अल्बाइनो रेडियस स्लाइडर। हां अल्बाइनो रेडियस स्लाइडर है। One of the rarest turtle. प्यारे कलर देख रहे हो अल्बाइनो। इसका प्राइस क्या है? इसका 22,000 ईच पीस है। 22,000 ईच पीस। ये पीकॉक टर्टल है। पीकॉक टर्टल। हाँ, पीकॉक क्यों नाम है? ओ क्या कितना अच्छा पैटर्न है। बहुत प्यारा है। काफी सारा स्टॉक आया था खाली हो चुका है अभी तो ही बचा है। ऐसा प्राइस क्या है इसका? 4,500 ईच पीस। 4,500 ईच पीस। लेकिन बहुत प्यारा है। ये नहीं पकड़ रहा नहीं। आवाज सुन। बुलफ्रॉग। ये कौन सा है? ये अफ्रीकन जॉइंट बुलफ्रॉग है। वही जो बड़ा फूलता रहता है। हाँ कूदने रेडी है। इसका प्राइस? इसका 25,000 ईच। आवाज उसका था? हिस कर रहा है वो। हिस कर रहा है। देख के कर काटेगा नहीं ना? अभी ये शेडिंग में है ना तो उसको शेडिंग के टाइम यूजुअली डिस्टर्ब नहीं करना है ना। इसका आप स्किन का कलर देखिए पूरा व्हाइटिश हो रहा है। मम्मी शेडिंग में है। मेरा एक्सप्रेशन मत दिखाना देखिए कितना बड़ा। इसका साइज क्या है? अभी बच्चा है। अभी ये बच्चा है? हाँ। कौन सा पाइथन है? ब्लड पाइथन। ब्लड पाइथन। इसका अभी कलर चेंज होगा शेडिंग में है ना तो इसलिए पूरा डल डल दिख रहा है। साढ़े तीन लाख का एक पीस आप देख सकते हैं। ये अभी बच्चा कितना बड़ा होगा? 3.5 लाख है मेरे पास। इसकी जो मदर है वो भी मेरे पास। इसकी भी मदर है आपके पास तो आप देख सकते हैं क्लोजअप में स्किन इसका कैसे शेड हो रहा है। तो अभी ये शेडिंग पीरियड में है। तो इसका मतलब साइज कितना बड़ा तक उम्र होगा? ये यूजुअली 7 to 8 feet होते हैं। हाँ फीमेल की 5 to 6 feet। तो ये ऑलरेडी मतलब बड़ा है लेकिन फिर भी अभी छोटा है। बच्चा अभी बच्चा है। 7 to 8 feet। और इसकी माँ भी है दिखाते हैं। मेन सुपरस्टार तो अब यहाँ है शो स्टॉपर हनीफ। अभी वो हनीफ का साइज का नहीं था ये हनीफ का साइज का तो आप देख सकते हैं। ये इसको ब्लैक ब्लेड पाइथन बोलते हैं और ये मलेशिया इंडोनेशिया थाईलैंड इधर मिलता है। मलेशिया इंडोनेशिया थाईलैंड। तो ये मतलब कितने साल की होगी? ये अभी ऑलमोस्ट 4 years। 4 years एक थंबनेल हो जाता है। तो 4 years की कितना फुट होगी? ये अभी 6 feet रहते हैं। तो मिल रही है सिक्स फीट की ट्रॉफी थोड़ा सा मिल रहा है। अच्छा प्राइस क्या होगा? सेल नहीं। नो नॉट फॉर सेल। ये इनका अपना है तो ये सेल पे नहीं है। तो व्हाट टाइम को पूछ के मत आओ। मतलब ब्रीडिंग भी आप ही लोग कर रहे हैं पूरा। ओहो इसके बच्चे में ऑलमोस्ट लाइक 300 के करीब करीब इसके बच्चे बेच दिए। ओहो दिखने में छोटा लग रहा है बच्चा दिए बट बहुत ही हेवी है। तो शायद ये लार्जेस्ट साइज होगा इसमें जो आता होगा ये ब्रीड में। हां ब्लैक पाइथन में ये लार्जेस्ट ब्रीड है लेकिन इससे ज्यादा बड़े आते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्नेक एंड हेवीएस्ट स्नेक का क्या रेटिकुलेटेड पाइथन है। उसके बाद बर्मीज पाइथन है। थर्ड ग्रीन एनाकोंडा है। तो ऐसे अलग अलग स्पीशीज है। तो आपके पास एनाकोंडा भी मिलता है ना? हाँ ग्रीन एनाकोंडा येलो एनाकोंडा उसमें दो स्पीशीज है। हाइब्रिड एक है और सॉरी म्यूटेशन जो वो येलो एनाकोंडा है। और ये जो सांस ले रहा है आई कैन फील इट ऑन माय हैंड। मगर ये सोच रहे थे इतना बड़ा सांप अपने हाथ में पकड़ेंगे लाइफ में नहीं पकड़ेगा। एक्वेरियम में आएंगे तो सभी कुछ देखने को मिलेगा। सब चीज पकड़ सकते हैं। है यहाँ फेरेट। ओ कितना प्यारा है।
तो ये कौन सा मंगूस ब्रीड है ना? नहीं नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन फेरेट है। ऑस्ट्रेलियन फेरेट तो कितना प्यारा है। हम कौन इसमें दो तीन कलर आते हैं, इसको पांडा कलर बोलते हैं। इसमें एक और कलर आता है अल्बाइनो कलर। अल्बाइनो कलर भी आता है, पांडा कलर आता है। पांडा कलर आता है और ये बहुत प्लेफुल रहते हैं। हाँ? और जब सोते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मरी गए, क्योंकि आप इनको अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरे आपको फोटोज वैसे ही दिखाएंगे। और आप उसको टच करोगे तो ये वैसे शॉकिंग पे नहीं उठेंगे। अच्छा पेट बना सकते हैं, फ्रेंडली लाइक कैट टाइप ही। कैट से बहुत अच्छा, कैट से भी अच्छा। तो फेरेट का काफी इजी मेंटेनेंस है और घर पे रहने वाला पेट है। घर पे आराम से बिल्ली के पास है तो बहुत एक्टिव होता है, काम चल जाता है। और ये चीज है, ज्यादा हीट में नहीं रख सकते, हीट में नहीं रख सकते। एसी वगैरह या फिर 24/7 फैन रहना चाहिए। फैन एसी यही सब गर्मी जब होता है तो इरिटेट हो जाता है ये। बहुत ऐसा प्राइस क्या है इसका? पेयर का 85,000। तो 85,000 पेयर। कितना बड़ा इगुआना है, लाइक कहाँ का है इगुआना? इगुआना भी ऑस्ट्रेलिया का ही है और मे बी लाइक अदर कंट्री में भी मिलता है, दो तीन कंट्री में मिलता है। तो मैक्स टू मैक्स ऑस्ट्रेलिया यूरोप कंट्रीज में ही आता है। इसका साइज देखिए आप, कितना साइज का है, एक साल का है। एक साल में इतना बड़ा, मतलब जो छोटा छोटा वो एक साल में इतने बड़े हो गए। हाँ, एक साल में इतने बड़े हो। अगर प्रॉपर डाइट मिलेंगी तो, और प्रॉपर इंक्लोजर प्रॉपर डाइट मिलेगी तो अच्छा बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसका मैक्सिमम साइज? इसका मैक्सिमम साइज 6 फीट। 6 फीट तक जाता है अभी। वो स्पेशलिटी क्या है, बॉडी 3 फीट की रहती है और टेल 3 फीट का रहता है इनका। और ऐसे मेरे पास लगभग 18 फीमेल और 4 मेल है जिसको मैं ब्रीड करके सेल कर रहा हूँ। ओके, तो यही ब्रीडिंग करा के सेल कर रहे हैं। हनीफ को बहुत पसंद आई है। इनको यूवी लाइट भी चाहिए, यूवी लाइट चाहिए इनको। और ये यूजुअली इनका नेचर ऐसा कि हाइट पे चढ़ना चाहते हैं। कलर भी देखिए कितना प्यारा है और एकदम टेल भी, वो इगुआना। इसका प्राइस क्या? इसका 55,000। तो 55,000 का इगुआना। और इसे बच्चे का छोटा रहा था 9,000 रुपीज़ बच्चा है, ग्रीन कलर का। तो बच्चा 9,000 का। तो उसमें ब्लू कलर का 25,000 है, लुटिनो जो है वो 35,000 रुपीज़ है और स्नो जो है वो 1,10,000 रुपये का है। तो अलग अलग वैरायटी पूरा है आपके पास। तो गाइस, मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये। लाइफ में कभी हम ये सब छुए नहीं, कभी सोचा भी नहीं था कि हम छुएंगे। और थैंक यू सो मच भाई, बहुत लाइक खुशी हुई आज। एंड कर्नाटका एक्वेरियम नाम है जगह का, लोकेशन बता दीजिए थोड़ा। लोकेशन जो है वो बैंगलोर कर्नाटका एक्वेरियम, आप अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर वैसे नहीं मिल रहा है तो विनायका नगर सर्कल 5th फ्लोर, JP नगर 5th फ्लोर। तो JP नगर 5th फ्लोर, लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। और आपको फिश चाहिए, आपको जो भी चाहिए यहाँ पेट, आपको सब मिलेगा यहाँ। फिशेज भी अलग अलग वैरायटी के हैं, तो ज़रूर आइए यहाँ। कॉन्टैक्ट नंबर भी और यहाँ का लोकेशन भी हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एंड थैंक यू सो मच वीडियो शूट अलाउ करने के लिए यहाँ। बहुत प्यारा प्यारा, बहुत अमेजिंग चीज़ है। और हम बैंगलोर में जितना भी एक्वेरियम देखे हैं ये अब तक का बेस्ट था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड माई वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। तो ठीक है, चलता हूँ। हैव अ गुड डे बॉयज़।